Assalamualaikum everyone, this is me Sehrnain, welcome back to a new vlog. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट पार्ट हूँ. तो आज मैं व्लॉग स्टार्ट करने लगी हूँ क्योंकि मैंने और मामा ने सोचा क्यों ना आज आप ही के साथ कोई हैवी वाला प्रैंक किया जाए. अभी हम बैठ के सोचते हैं कि प्रैंक क्या करना है और सारी सेटिंग वगैरह इसकी करते हैं. आप ही अभी तक कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनाएं. हाँ जी मैं भी ठीक. मामा भी आज खुराफाती दिमाग लेके बैठी हुई हैं. पता क्या बात है, वो हमें तंग करती है. हाँ जी, वो आए दिन तो कोई ना कोई प्रैंक या कोई ना कोई उन्होंने वीडियो बनाई होती है, तो इसलिए तो आज हमने सारे बदले ले लेने. आज हमने उनके साथ एक ऐसा आला प्रैंक करना है कि उनके आंसर निकल जाने हैं इंशाल्लाह. उनको रुला देना आज हमने, ऐसे ही करना है. ठीक है तो फिर बताएं, क्योंकि वो 3 बजे आने वाली है. हाँ जी है ना, वो आ जाए और हमारा सारा प्लान जो है वो फ्लॉप हो जाए. चले फिर आए, करते हैं सारा कुछ, सेटिंग वगैरह करते हैं. वैसे करना क्या है वो मैं आपको साथ साथ बताती हूँ ना, करना क्या. चलो ठीक है आ जाए. हाँ जी मम्मा जी बताएं फिर कौन सा प्रैंक करना है, जरा अपना प्लान मेरे साथ शेयर करें. प्लान ये है कि मैंने ना अपने पाँव पे चोट लगवानी है. अच्छा, तो पट्टी कर लेंगे तो उसे कहेंगे कि मेरी है ना हड्डी फ्रैक्चर हो. उन्होंने वाकई रोने लग जाना है, देखना है ना. तो मैं कहूँगी ना यही तो प्रैंक है कि उनको रुलाना है. रुलाना है तो मैंने कहा कि ऐसे करेंगे ना फिर के उसे बोलेंगे कि अभी अभी आपके पापा गए हैं सुबह से, वो ही मेरे साथ है, मैं डॉक्टर के पास से आई. तो वो पूछेंगे नहीं मैं स्कूल से, तो मैं कहूँगी मेरे स्कूल जाने से पहले से हो रही है. हाँ, सारा कुछ. तो पापा इधर घर में ही थे तो इसलिए पापा ने कहा कि आपने आप कौन सा आ सकते हो, इसलिए पापा ने मैं आई हूँ तो अभी पापा गए हैं. तो मम्मा को बड़ा मसला है, बड़ी तकलीफ है, ये हुआ है तो देखना उसका आंसर उसके निकलने जाएगी. तो हो जाएंगे मुझसे नहीं हो रहा ये प्रैंक. नहीं आप ना बस आप कहना हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप ये ना हो ना कि कह दें कि अभी नहीं. अच्छा चले मैं सारी चीजें लेके आती हूँ. नहीं 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 नहीं, और हमने बोलनी है पंजाबी, पंजाबी बोलनी है. अच्छा अगर हम उर्दू बोलेंगे तो उन्होंने कहना, उसने कहना कि ये व्लॉग बना रहे हैं. ठीक है मैं चीजें लेके आती हूँ. क्या पट्टी लेके आऊँ? और बस फ्रैक्चर का बताना है या कोई वो ब्लड वगैरह भी देखा? नहीं फ्रैक्चर देखे नहीं. मुझे हंसी भी बहुत आई है और अस्तगफिरुल्लाह ना करे, अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही रखें. और देखने के बाद मतलब कि ना दुख भी हो रहा है लेकिन पता तो है कि ये प्रैंक है. और हंसी मुझे इतनी ज़्यादा आ रही है कि क्या मम्मा के दिमाग में कैसा आला प्रैंक आया है. पता नहीं वापी का क्या बनेगा, मुझे तो ये टेंशन है कि वो वाकई कहीं रोना ही ना लग जाए ज़्यादा. पता क्या बात है, वो ना तंग बहुत करती है. मैंने कहा मैंने आपको कहा था ना कि किसी दिन हमने इसके साथ बहुत प्रैंक करना है, हैवी वाला प्रैंक करना है ताकि वो खुद हिल जाए. आपके वो ही नहीं सिर्फ कर सकती, हम लोग भी कर सकते हैं. मैंने जैसे ये करना है ना, हाय हाय आपने मेरा साथ देना है, ये ना हो कि आपका भी हंसी आपकी भी निकल जाए, मेरी भी हंसी. नहीं मेरी हंसी नहीं निकलेगी इंशाल्लाह, बस बाकी आपने सारा संभाल लेना है. ये हमने कर दी है पट्टियाँ, सारी पट्टी कर लिया, यहाँ से हमने टेप लगा दिया. अब आप ही आएंगे तो हम देखते हैं उनका रिएक्शन. अभी कैमरा सेट करना है, कैमरा कहाँ सेट करना है? वही ऊपर कर. चलो ठीक है फिर मैं कैमरा वहाँ पे सेट करती हूँ. और आप ही वैसे आने ही वाली हैं, टाइम क्या हो गया? 3 बज गए. 3 बज गए आने ही वाली हैं, बल्कि मैं मैसेज करके पूछूंगी कब. नहीं नहीं कह रही थी मैंने, निकलने लगी है पहले. अच्छा रही थी मम्मा बस मैं आने लगा, आपके पापा ने कहा था ना कि पूछ लो कि कब आना है, तो मैंने कहा था मैं पूछ लूँ. अच्छा ठीक है चलें फिर मैं कैमरा जल्दी से सेट करती हूँ. कैमरा मैंने यहाँ सेट कर लिया जिससे सारा कमरा नजर आएगा. और आप भी आने ही वाली हैं, 5 मिनट तक उन्होंने मैसेज किया था कि वो पहुँचने वाली हैं. मम्मा भी बैठी हैं, अभी इनका वेट करते हैं और उसके बाद हम अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं. ठीक है ठीक है ठीक है. गिटा ना निकल गया, फ्रैक्चर हो गया वा. पता की गल, डॉक्टर ने कहा वा के कहा किस डॉक्टर के पास गई थी? इधर ही आ, पता नहीं तेरे पापा दस रहे थे कि मैं जा तो हॉस्पिटल ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਹੋਈ. ਸਹਿਜ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਆ ਸਕਣਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ. ਲੈ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਦੱਸਣਾ. ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਹੁਣੀ ਗਏ ਹੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਆਈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਗਏ. ਰੋਣੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੇਖ ਨਾ ਸਹੀ. ਓਏ
ਓਏ ਸੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਓਏ ਲਾ ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਰੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋ ਸੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਂਕ ਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਓਏ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੂੰ ਓਏ ਹਾਂ आपकी कायनात वाकई रोने लगी है। हाय अल्लाह नहीं बच्चे नहीं नहीं हमारा वाला प्रैंक तो वाकई बहुत हैवी हो गया। वो वाकई रो रही है। क्या हो गया? प्रैंक था तो ये कोई प्रैंक करने वाली बात नहीं है। नहीं बेटा कोई बात जो नहीं मुझे लगा पता नहीं कितनी चोट लगी। ओए मां हाय अल्लाह ओए तेरे को तेरा पता चल गया प्रैंक है। बस वो खोल के देख ले कसम से खोल ले आधे इसने जो वो लगाई है टेप पे ऐसे प्रैंक ये शहर प्रो मैक्स ने पट्टी की थी। कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मजाक प्रैंक किया है आपके साथ। आप नहीं हमें इतना तंग करती। हाँ। तो ऐसा तंग करना है मैं ऐसा प्रैंक करती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा रोने तो बंद करे। ये देखो ले वैसी पट्टी है ये देखो ले बिल्कुल सही है कुछ भी नहीं है। सॉरी सॉरी आप ही तो हमारे साथ इमोशनल माहौल कर दिया। थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। प्रैंक के बाद मम्मा अपना सामान इकट्ठे करते हुए आप भी इतना रुला दिया है। अल्लाह मुझे खुद बहुत हो रहा था कि वो जैसे वो रोने लगी। चलो कोई बात नहीं प्रैंक था हमने कहा था ना हैवी वाला प्रैंक करना हैवी वाला करना है क्योंकि आंसू निकल रहा है। वो वाकई रोने लगी थी। चेक करें इनका मुंह दिखाएं अपना। अच्छा बेटा नहीं सॉरी जी प्रैंक तो प्रैंक ही होता है। क्यों ऐसे नहीं मेरे से बर्दाश्त होते। अच्छा अच्छा मेरा बच्चा अब ना रोना अब मैं ठीक हूँ। ये देखो पट्टी कुटल बैठ रही हूँ। बंदा एक बार से थका हुआ आता है। ये किसका प्लान था वैसे? हम दोनों का मम्मा का सबसे पहले मैंने सिर्फ मम्मा का साथ दिया। जो आइडिया था ना वो मम्मा का था। मैंने कहा पता क्या बात है आप वो इतने करते हो। मैंने कहा मैंने कभी ऐसा प्रैंक नहीं किया आप लोगों के साथ कि आप लोग रोने ही लग गए। अच्छा चलो कोई बात नहीं ये कौन सा सच है तो मजाक है। मैं मजाक में भी नहीं देख सकती। अच्छा चलो सॉरी 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 ओए अल्लाह सॉरी मेरा बच्चा पारा सा थप्पड़ खाए थप्पड़ तुम्हारे मारने में मम्मा अभी को कहो ये कौन सी बात है गुस्से वाली प्रैंक था एक बस क्या हो गया क्या प्रैंक था बस। अच्छा मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूं फर्ज करो तो तुम्हें कैसा लगेगा ये बताओ। मैं भी रोने लग जाऊंगी और इतना रोऊंगी कि फिर चुप नहीं करूंगी बाद में। इमोशनल हो गई है मम्मा से और पापा से अपने बहन भाइयों से प्यार ही बहुत करते हैं मेरे सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो कहा था थोड़ा बहुत होगा आप तो सीरियस ही हो गए। नहीं ऐसे प्रैंक सही होते नहीं। मैं वहाँ से बाहर से आई हूँ एक पैदल आई हूँ थकी हुई गर्मी से और आप लोगों ने आगे से ऐसा प्रैंक कर दिया। दो पानी लेके आओ पी के लिए पानी मम्मा के लिए लाई थी मेडिसिन के लिए वो ले लेंगे अगले। ये भी हमारे प्रैंक का हिस्सा था। ये भी हमारे प्रैंक का हिस्सा था। मैंने मेडिसिन खानी थी। मैं दिल कर रहा है कि मैं बुलाऊं ना किसी जी तो खुद मेरे साथ इतना हैवी वाला प्रैंक करके ना अब मम्मा और शहर बैठी देखें कैसे चेक करें जरा इतनी मासूम इधर आओ जरा दो तीन मैं तुम्हारे लगाऊं कुछ क्या है ये जो आप लोगों ने मेरे ऐवी फजूल में आंसू निकलवाया ना आप लोगों ने ये किया है। बच्चे पता क्या बात है कुछ नहीं होता। क्यों नहीं कुछ होता आप लोगों को पता भी है मेरी सारी नेचर का पता है कि बाकी मैं स्ट्रांग हूँ लेकिन कुछ मामलों में मैं ऐसी हूँ कि मेरे से अपने आंसू नहीं कंट्रोल होते। मम्मा पापा मेरे घर वालों में से कोई भी टेंशन में हो ना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अभी भी मेरा दिल कर रहा है कि मैं रोऊं। नहीं बेटे नहीं अब नहीं रोना मतलब कि खाना लो अजीब जिसका भी था मैं बस साथ दिया मम्मा की बात को बना नहीं ना कर सकती इधर आओ तुम्हारे दो दिन लगाओ तुम मना नहीं कर सकती। पता नहीं एक देखो एक बात सुनो मेरी तरह एक बंदा बाहर से मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हूँ ठीक है एक ऊपर से ये आपको पता है कि पापा मुझे लेने नहीं आते। इतनी गर्मी में मुझे पैदल आना पड़ता है अपनी फ्रेंड के साथ। रिक्शे में मैं बैठना नहीं पसंद करती कि मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे ऑटो में या उसमें भी आना चिंगची में भी। तो अभी मैं चल के आई हूँ पानी का नहीं पूछा कुछ नहीं आगे से ये सिचुएशन हो तो बंदा नहीं रोएगा बताओ।
और ऊपर से छोटे से तुमने छोटे बहन भाइयों का नहीं दुख देखा जाता। सलमान के जब चोट लगी थी पता है ना, मैंने उस टाइम पे इतना हौसला किया था, उसका पाँव पकड़ के मैं खड़ी थी कि इसका खून रुक जाए, लेकिन बाद में जो मैं रोई हूँ ना आपको भी पता है। तो आप बताओ फिर, तो आप तो मेरी मम्मा है, आपकी इतनी चोट लगी मैं कैसे बर्दाश्त करती। पता क्या बात है, मैंने कहा कि चलो हैवी वाला प्रैंक करते हैं, ले हैवी वाला बंदा अगला हैवी ऊपर पहुंचा होए, टेंशन में इतनी टेंशन दी है। मेरे साथ कोई प्रैंक करेंगे और मैं आप लोगों को बख्श दूंगी? नहीं देखा ज्यादा बड़ी प्रैंक देखा, आगे जेल में है और जब किसी के साथ कुछ रियल हो जाता है तो हमें फिर भी वो लगता है कि ये शायद प्रैंक कर रहा हो, लेकिन अल्लाह की तरफ से अगर किसी पे आ जाए, मैं वो बात कर रही हूँ, तो मैं प्रैंक ऐसा करने का फिलहाल कुछ नहीं सोच रही। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-इमान पर रखे, तो आपकी मेहरबानी है बहुत बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ दोबारा ऐसा प्रैंक ना, ऐसा कि किसी के चोट लगी है, किसी को कुछ हो गया, हमने तो ठीक है। इसके बाद आज जो हो गया वो तो हो ही गया, अब मैंने खाना नहीं खाना, मैं नाराज हूँ, चलो मैंने नहीं खाना, और कर लो और थोड़ा सा प्रैंक कर ले और थोड़ा सा, हम आपको खाना ला के देते हैं ट्रे में रख के, नहीं फिर एक शर्ट पे खाऊंगी क्या, आप अपने हाथ से खिलाओगे फिर? हाँ ठीक हो गया, चल जाओ ला के दो। मम्मा देख ले इसको, अब कह दे मैं इसके लगानी है दो तीन, जब मैं रो रही थी तब तो बड़ा की थी, वाकई में रोने लग गई है। अब देखिए पता था आप आके इतना सीरियस हो गए, हौसला करेंगी थोड़ा, जैसे मैं अपने बाकी घर वालों के मामले में तो हौसला ही करती हूँ जब उनके चोट लगी हो। अब जल्दी से मम्मा सहर खाना लग देती है, और मम्मा के हाथ से ही मैंने आज खाना खाना, मैंने और खाना ही नहीं है, नहीं, और सारा दिन खाऊंगी, रात को भी आपके हाथ से ही खाऊंगी, रात को खाते ही नहीं हूँ, अब खा लिया रात को भी खाना ही, मैं आज खाऊंगी, मैं क्योंकि मम्मा मुझे खिलाएंगी तो फिर मैं रात का भी खाऊंगी, ठीक है। और आइंदा से ऐसे ना करना, आपने मेरी जान निकाल दी थी, नहीं मेरा बच्चा मम्मा का प्यारा बच्चा, ऐसे प्यारा बच्चा मम्मा का प्यारा बच्चा, कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। अब सैर खाना लग देती है और फिर हम मम्मा के हाथ से खाते हैं जी। खाना शाना खा के अभी मैं फ्री हुई थी कि बच्चे आ गए, क्योंकि एक तो मेरी टाइमिंग ऐसी है मैंने आपको बताया था, दूसरी बात ये कि जो आज मेरे साथ हो गया उस वजह से थोड़ा टाइम ज़्यादा ही लेट हो गया था, तो अभी बच्चों को बढ़ाकर मैं फ्री हुई थी, तो मैंने कहा मैं व्लॉग का एंड कर देती हूँ। खैर स्टार्ट तो मैंने नहीं किया, और जो इस व्लॉग में मेरे साथ हुआ है ना, उस बात का शायद आप लोगों को भी अफसोस हो कि किया तो मम्मा लोगों ने प्रैंक ही था, लेकिन आंसू मेरे इसलिए निकल आए थे। इस लड़की को ना मैं छोड़ूंगी नहीं, बदला तो मैंने इसे अपना लेकर ही रहना है, बच के रहना मेरे से, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, ठीक है? तैयार ही रहना तो अच्छी बात है, बच्चों को पढ़ाकर उनको थोड़ा बहुत डांट डूंट के मम्मा से कोई प्यार वगैरह करके अभी मेरा मूड थोड़ा सेट हुआ है। तो मम्मा गई हैं अपनी फ्रेंड की तरफ, तो अभी मगरिब का टाइम हो रहा था, मैंने कहा व्लॉग एंड करके, तो अब इंशाल्लाह आप लोगों से सुबह एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।